बेटा होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 10th, एनीवन विद दैट क्वेश्चन इश्यूज? 11th एनीवन? नहीं समझा 11th वाला? हाँ तूने होमवर्क अटेम्प्ट किया है? नहीं नहीं किया ना अटेम्प्ट बेटा तूने होमवर्क? देखो अभी फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स हुज kth टर्म इज ये। तू पहले एक काम कर, AP बना ले तेरा। A1 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। A2 क्या बन जाएगा तेरा? 11। A3 क्या बन जाएगा तेरा? 16। तो बेसिकली तेरा 6 11 16 करके तेरा AP बन रहा है। देखो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। n टर्म्स का सम कहता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। खोलेगा n के टर्म्स में आंसर रह जाएगा तेरा, खत्म। एक मिनट का क्वेश्चन नहीं था रे टाटिया, जल्दी कर। राघव अगर नहीं किया हुआ था तो फट से कर ले 11th वाला। सर कर लिया। कर लिया तो ग्रेट। रोक ले जामे थे। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 12 एनीवन? एग्जाम्पल नंबर 13 एनीवन? आया हुआ है पक्का ना? 14th दिया था होमवर्क? हाँ 14th एनीवन? होमवर्क अटेम्प्ट किया कर लक्ष्य। किया है 14th अटेम्प्ट? आया है? आया है ना? यस। बस आई थिंक इतने ही थे आप लोगों को दिए हुए। हाँ अब चलो अपना क्वेश्चन नंबर 7th पे आ रहे हैं, ठीक है? एक बार मन में इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। बस क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा है, लास्ट ईयर नहीं था अपने को ऐसा वाला, हो जाएगा पढ़ोगे तो। हमको सिर्फ इतना दिया गया है A7 की वैल्यू है A7 के लिए 15। मुझे सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या है A2 इंटू A7 इंटू A12 की पूछी गई है। तो देखो पहले तो जो गिवन है उससे A और D के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं अपन लोग, यहाँ तक है ठीक है? तो A की वैल्यू 15 माइनस 6G ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये एक पता चल गया। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए A प्लस D। A7 का मतलब तो मुझे पहले से पता है 15 हो जाएगा यहाँ से, और A प्लस 5D ना, नहीं A प्लस 11D सॉरी, ठीक है? अब A की जगह 15 माइनस 6G लाना शुरू कर दूँ मैं, तो 15 माइनस 6D प्लस D, 15 प्लस 6D प्लस 11D, ठीक है ना? क्या हो गया? माइनस 6G सॉरी, यहाँ तक का ठीक है अभी। अब देखो ये 15 माइनस 9D 15 प्लस, ये 15 माइनस 9 नहीं 15 माइनस 5D हो गए, प्लस 15 प्लस 5D, ठीक है? 15 को 15 ही रहने दिया। यहाँ पे अगर मैंने
प्रॉपर्टी लगा दिया तो क्या हो जाएगा वो 225 माइनस 25 डी स्क्वायर। अब देखो मेरा डी कोई पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, डी स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25 डी स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 225 में से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 225 नंबर को छोटा कर देगा वो, करेक्ट। फिर कुछ भी बना देगा उसको, 224 बना सकता है या फिर माइनस एक करोड़ बना सकता है, कुछ बना सकता है। 225 से छोटा हो जाएगा, फिर वो 15 से मल्टीप्लाई होगा। मेरी कोशिश ये है कि सबसे बड़ा पॉसिबल आए, तो उसके लिए इसको सबसे बड़ा पॉसिबल होना ज़रूरी है, उसको सबसे बड़ा होने के लिए इसको सबसे छोटा होना पॉसिबल ज़रूरी है। तो अगर मेरी डी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये मेरा मैक्सिमम आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो अगर डी की वैल्यू मैं माइनस वन लूँगा ना, तो माइनस वन का स्क्वायर वन बन जाएगा, जो इसके साथ इंटू मल्टीप्लाई होकर 25, तो 225 माइनस 25 होकर 200 यानी छोटा हो जाएगा, फिर 200 इंटू 15 थोड़ा छोटा आंसर आएगा। मैं डी की वैल्यू 0.1 लूँ या 0.00001 कुछ भी लूँ, हमेशा इसको छोटा कर रहा है, तो सबसे छोटा यानी सबसे बड़े रखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं डी स्क्वायर की वैल्यू 0 मतलब डी की वैल्यू अगर 0 ले लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर उसने क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ही पूछा था क्या, हाँ। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो डी शुड बी 0 जिससे ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट रहे। समझा जी क्या हुई है, पक्का रोकड़े कर लीजिए इसको। एकांश पिछले सेशन के रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, बढ़ी नहीं हुई ना दसवीं से ग्यारहवीं में आते आते भी, बहुत बढ़िया बेटा। हो गया कहीं से सेवन सर कौन सा 15th। अब गाइस एक बार के लिए 15th क्वेश्चन पढ़ो, वैसे बहुत सिंपल सा है, कुछ भी स्ट्रेसफुल नहीं है, बड़े बार पढ़ लो, फिर मैं तुम लोगों को ना तुम्हारे ही 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन करवाया जाता था वो वाले क्वेश्चन का ले जाता हूँ, ठीक है। सेंटर पॉइंट के एग्जाम में पूछा हुआ भी गया था शायद से।
तुमको याद है क्या? एक क्वेश्चन था तुम्हें पहले, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी कुछ तो भी याद था, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। तो पहले ना एक बार वो क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर लेते आपस से, यानी मुझे डेटा याद नहीं, मैं रैंडमली बस तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मान लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब क्या था, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, तो क्या था, s5 के बराबर था ये, जो कि n/2 2a प्लस n-1d था। बट अब अगर मैं सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स बोलूँगा, मतलब तब मैं a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10 की बात कर रहा हूँ। अब इसका फॉर्मूला नहीं पता है हम लोगों को, करेक्ट? तब ऐसा में हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा क्या करो तुम लोग, अपने मन से a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 लेके आ जाओ इसके अंदर, जो लाए हो उनको हटा भी दो, a1 a2 a3 a4 a5। तुमने मैथमेटिकली कुछ चीटिंग की क्या? नहीं। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा, नाउ सी, ये इसका मतलब हो जाएगा S10 माइनस इसका मतलब हो जाएगा S5। तो देखो पहले 10 टर्म्स का सम अगर S10 होता है तो 11वें से 20वें टर्म का सम S20 माइनस S10 हो जाएगा। मुझे 75th टू 100th टर्म का सम चाहिए अगर, तो हो जाएगा S100 माइनस S74। समझ में आ रही थी तुम लोगों को? चलो अब यहाँ पे एक बार आते हैं अपन लोग। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 2, चलो ठीक है, एक चीज तो हमें मिल गई है, ए की वैल्यू 2 है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स यानी A6 से लेके A10, तो वो क्या हो जाएगा, S10 माइनस S5। ठीक है, ये दिया हुआ है, दो इक्वेशंस आ गए हैं तुम्हारे पास में। देखो एक ही वेरिएबल बेसिकली हमारे पास, तुमको डी नहीं पता था, तुम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, थोड़ा केयरफुली करना, स्पेशली ये बेटा माइनस है तो एक और ब्रैकेट खोल देना, नहीं इसको ये ऐसा रखना, ये यहाँ पे एक और ब्रैकेट खोल देना, रोकड़े तू स्पेशली, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होगी ब्रैकेट के अंदर, सॉल्व कर लेना। अगर तुमको डर लग रहा है तो एक काम करो, S5 की वैल्यू अलग से निकाल दो, S10 की वैल्यू अलग से निकाल दो, फिर सब्सटीट्यूट कर दो। तुमको अगर डर लग रहा है थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट खोलने का, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तुम लोग, रिलेशन आ जाएगा डी के बीच में, सॉल्व करोगे डी का आंसर आ जाएगा। सर नहीं सर अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है, तो चलो ठीक है, और सिंपल तुम्हारे को करना है तुम्हारे लिए, तो ये देखो एक काम करो, ये 4 को तुम अभी के लिए यहाँ भेज दो, 4 टाइम्स S5 इज S10 माइनस S5 माइनस S5 को वहाँ भेज दो, 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10। अब इससे सिंपल मेरे को नहीं करना आएगा। अच्छा अब तुम लोग डाल दो वैल्यूज जो तुम्हारे को जैसा ठीक लगे, तुमको जैसे करना है, डी का आंसर आ जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, वो तो ईजी है, S30 मांग रहा है, फाइंड द 20th टर्म वो भी ईजी है। ठीक है, देखो मैंने सोल्यूशन ओपन रखा है, बट प्लीज़ तुम लोगों से रिक्वेस्ट है छापना मत हो सोल्यूशन को कुछ भी, खुद से अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन को। वो नहीं कर सकता, अच्छा वहाँ से ऊपर से 4 कॉमन निकाल देगी अगर तू, तो कट जाएगा भले ही वो। एकांश कैन यू हियर मी? एकांश कैन नॉट हियर मी बिकॉज़ ही इज नॉट इन द सेशन।
आया तेरा, दिखा मेरे को, दिखा दिखा मेरे को, देखना देखते क्या गलती की है। अच्छा नहीं, तूने यहाँ पे निकाली है चीज़ों की। एस आई एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। फाइव बाई टू टेन, टेन प्लस टेन डी आया था, ठीक है। ये एस फाइव आया, तूने देख क्या गलती की ना था। ये स्टेप तक के सही था दादा, तू जो फाइव को यहाँ भेजी वो गलत हो गया। फाइव पूरी इक्वेशन से थोड़ी मल्टीप्लाइड हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा। देख अगर मान ले एट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, तो तू ये टू को यहाँ नहीं भेज सकती ना बेटा, अभी तो टू पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाइड नहीं है ऐसा। तो तूने वो क्या किया है ना, तेरा फोर्टी टाइम्स वन प्लस डी इज इक्वल टू फाइव टाइम्स फोर प्लस नाइन डी माइनस टेन प्लस टेन डी था, तूने फाइव को यहाँ भेज दी, वो फाइव वहाँ पे नहीं आएगा, तेरा ब्रैकेट खुल जाएगा वहाँ पे बस। क्या मैं करके दिखाता हूँ तुझे, तेरे को क्वेश्चन ही समझाया, सल्यूशन लाना नहीं जम रहा तेरे को। देख देखो पहले ये समझा, ए की वैल्यू टू है, बोल चलो ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इन एस फाइव इज इक्वल टू वन फोर्थ सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स। नेक्स्ट फाइव टर्म्स मतलब ए सिक्स से लेके ए टेन, मतलब ये एस टेन माइनस एस फाइव हो जाएगा, ये समझ में आएगा तेरे को। अब देख ये इधर भेजा मैंने, फोर टाइम्स एस फाइव इज इक्वल टू एस टेन माइनस एस फाइव, माइनस एस फाइव को इधर भेज दिया तो प्लस एस फाइव हो जाएगा। फाइव टाइम्स एस फाइव इज इक्वल टू एस टेन, देख फाइव टाइम्स एस फाइव क्या हो जाएगा, एन बाई टू टू ए तो हो जाएगा फोर प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, करेक्ट। अब देख 25 बाई टू था ये, फोर प्लस फोर डी, वन ज़ा फाइव ज़ा, वैसे चाहे तो ये फाइव या फाइव काट सकती है अगर पता है तो, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। कौन सा अच्छा बच्चा, ये माइनस एस फाइव को यहाँ पे लेके आ गया ना मैं, तो प्लस एस फाइव हो गया, तो फाइव एस फाइव हो गया, ठीक है। अब देख 20 प्लस 45 डी हो रहा है बेटा तेरे, अब यहाँ पे खोलेगी तो 100 बाई टू मतलब 50 डी, अरे 50 प्लस 50 डी इज इक्वल टू 20 प्लस 45 डी हो रहा है तेरा, तो 5 डी इज इक्वल टू माइनस 30, तो डी इज इक्वल टू माइनस 6, समझा, कर ले एक बार। वेदांति समझ में आ रहा है क्या? राघव वहाँ तेरा फोटो आया मैं देख रहा हूँ। वेदांती तेरे को समझ में आ रहा है? वेदांती मैं आपको फोटो भेज रही, आंसर नहीं आया मेरा। तेरा फोटो मुझे नहीं आया बच्चा अभी तक के। ओके एक समझ मैं तेरा राघव का देख रहा हूँ मैं। राघव यहाँ तक है तो ठीक है, इसके आगे का नहीं किया कितना सॉल्व बेटा? सर आगे क्या कैसे करूँ समझ नहीं रहा। रुक जा, टेन प्लस टेन डी इज इक्वल टू वन बाई फोर टाइम्स टेन प्लस 35 डी है बेटा तेरा, ये फोर को यहाँ भेज दे अभी, क्योंकि फोर पूरे से डिवाइडेड था तो वहाँ चले गया, तो 40 प्लस 40 डी इज 10 प्लस 35 डी, समझा? वेदिका देख रहा हूँ बेटा तेरा, एक
इसका नाम क्या है? वेदिका, सुन बेटा, नॉट दैट मेरे को कोई गलती मिली अभी, बस देखो बता रहा हूँ मैं, 20/2 + 20/2d जब था तो एलसीएम के लिए जब एक कट ही रहा है फट 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 फट, जब डिनोमिनेटर हट ही रहे थे तो हटा देना बेटा उस चीज़ को। नॉट दैट अभी तक कि तुझे कोई मैथमेटिकल गलती मिली नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ तूने किया क्या है। रुक जाए इसे क्या, अच्छा ये देख तूने क्या गलती की ना बेटा, वो जो 1/4 था तूने 1/4 इसको देना भूल गई बेटा, वो 1/4 पूरे इसके लिए था, समझा गया देखो। कर ले, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ बेटा, कोई रश नहीं है अपने पास। हाँ तू क्या बोलती बेटा? मैं नहीं कर रहा हूँ, सर करेंगे, मैं नहीं पढ़ता अकाउंट्स। हाँ तो अकाउंट सर आई थिंक 9th से स्टार्ट होगा आपसे, होगा उसे सेशंस है ना, दिस इज गोइंग टू बी ऑनलाइन ऑल्सो अवेलेबल ऑल टाइम्स। हाँ नहीं मेरा डबल सेशंस नहीं हो पाएगा बच्चा। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग सर रहती है वो तो यूट्यूब पर आएगी। हाँ तो 1 मंथ बैठ जा फिर वहाँ पे वीडियो दे, जिंदाबाद। 11th तू देख, अगर तू ढंग से देखेगी पूरा का पूरा जो होमवर्क दिया गया है वो करेगी तो हो जाएगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएगा तेरे को। बस होपफुली तेरे को जो बुक वहाँ यूज़ हो रही हो एमएल अग्रवाल ही हो तो तेरे को क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। वहाँ पे कोई और एमएल भार्गव यूज़ होती है या आरडी शर्मा यूज़ होती है, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आएगा तेरे को। हो जाएगा वेदांती तो बताना बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मैं ये हटा दूँ ना यहाँ से? आ गया। हाँ अब ये देखो, ये फुद्दूस है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 112। इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है अब सुनो, पहले 4 टर्म तो जो फर्स्ट टर्म इज 11 है A1 यानी A की वैल्यू 11 हो चुकी है। पहले 4 टर्म्स का सम तुम्हें 56 दिया गया है तो उससे निकाल देते हैं। एस एन इज n/2 2a + n-1d, 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 28 ज़ा, ये हो जाएगा कितना 6, तो d की वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ तक चलो ठीक है। मुझे लास्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP का सम कितना दिया गया है? 112। ठीक है तो मेरा लास्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगा? ये तो लास्ट टर्म हो जाएगा, ये 4 टर्म हो जाएगा बेटा मेरे, करेक्ट। अब देखो ये जो भी वैल्यू है इसकी, अभी के लिए एक्स मान लो, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 2 का आ रहा है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा x-2 रहेगा। दो 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 बढ़ती है। अब एक काम करो, वो क्यों एक्स मान रहे हैं अपन लोग, छोड़ो इसको। अगर मैंने अभी के लिए एक्स मान लिया तो ये x+2 हो जाएगा, ये तुम्हारा x+4 हो जाएगा, ये तुम्हारा x+8 हो जाएगा, x+6 सॉरी x+6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक के? इन सब का सम मुझे कितना दिया गया है? 112। तो 4x = 100 हो रहा है, तो x की वैल्यू 25 हो रही है मेरी। तो मेरा लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? x की वैल्यू 25 है, तो इसकी वैल्यू 31 हो रही है। तो बेसिकली मेरा AN 31 है, A मेरा 11 है, D मेरा 2 है। ठीक है अब जैसे ये हुआ है तो तुम n निकाल सकते हो। एक और समझो, एक और समझो। हाँ सुन 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 सुन, तुम देख, देखो a और d तक, a तो पता था, तेरे को d निकालना आ जा गया। ठीक है देखो, लास्ट 4 टर्म्स बोले गए हैं,
तो मान लो लास्ट ऑफ द ए एन होता है, उसके पिछला वाला ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और ए एन माइनस थ्री, इन सबका सम तेरे को कुछ तो भी कितना दिया गया है, 112 दिया गया। अब देख तूने मान ले ए ऑफ एन माइनस थ्री, ठीक है ना, ये टर्म को एक्स मान लिए, तेरा कॉमन डिफरेंस टू है, तो ये प्लस टू करेगी तो तेरा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर और प्लस टू करेगा और नेक्स्ट टर्म, फिर और प्लस टू करेंगे तो और नेक्स्ट टर्म, तो एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये तेरे चारों टर्म्स हो गए, इनका सम तेरा 112 दिया गया है, देखो उससे एक्स मिल गया, एक्स 25 हो चुका है, एक्स 25 हो गया है तो तेरा लास्ट टर्म के लिए एक्स प्लस सिक्स मतलब वो कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तेरे ए एन की वैल्यू 31 है, तेरे को ए पता है, तेरे को डी पता है, तुम निकाल सकते हो, समझा मेरे भाई क्या हुआ है, कर लो फट से एग्जाम्पल 17 दिया। पिछला क्वेश्चन क्या था बच्चा, फाइंड द, देख तेरा डी तेरा माइनस सिक्स अगर आ गया है तो बच भी चीज है, तू बच्चे ऐसे ही वो कर लेगा, हो गया गाइस ये।
रोकड़े हो गया। अच्छा चलो करें अभी आगे का। दिस वॉज 17। अब 18th क्वेश्चन देखो, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में अभी तक मुझे याद नहीं है। तुमको ए पता है, तुमको डी पता है, तुमको एस एन पता है, तुम उसे एन निकाल दोगे। मान लो जैसे इसके एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 और माइनस 59 बाई सी, ऑब्वियसली माइनस 59 बाई सी तो होगा नहीं, तो 20 हो गया। अब वो x मतलब a 20 हो रहा है, वो 20th टर्म है ना, एक्स एन है, तो वो निकाल देंगे a 20 की वैल्यू। समझा रोकड़े क्या बोला है? a पता है, d पता है, sn पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ले। मान ले 50 टर्म्स है, तो वो x 50वां टर्म है बेटा, तो 50वें टर्म की वैल्यू निकाली, कितना आंसर आ जाएगा, कर लो यार खुद से। देख तेरे को यहाँ से ए पता है, ये कॉमा कॉमा मार ले, कर ले एक बार के लिए समझ ले, ठीक है। तेरे को डी पता है, ये सब एपी में अगर है, ठीक है। तेरे को एस एन पता है, 590 है, फॉर्मूला डालेगी तू एस एन एस एन बाई टू, 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्या बच्चा ये इक्वल्स टू दिया ना बेटा, इन सब का सम तेरा 590 हो रहा है, ठीक है। अब ये करेगी तो एन की वैल्यू मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, या तो स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म करना, या फिर वो अपना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कोई अपॉन टू है, उसे को नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। वो आंसर यहाँ पे देख के समझ आए, 20 है, तो मतलब ये ए वन था, ये ए टू था, ये ए थ्री, ये ए फोर, ऐसे करते करते ये ए 20 है, ए 20 की वैल्यू निकाली तो एक सी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ वैसा है,
सबकी स्टोरी खत्म हुई बेटा, सबकी स्टोरी खत्म हुई, सब देख ली तूने, सब देख ली तूने। रुकड़े आ गया आंसर सच में? तो जब दिख रहा तो 1+57 है, डायरेक्टली 58 नहीं लिखी। तेको जल्दी बुलाया था तू आई है। अब दैट वाज एग्जांपल, नेक्स्ट वन था एग्जांपल अभी। अब देखो थोड़ा सा बोर क्वेश्चन 19, बट अब तुम लोग आ रहे हो 11th में, ठीक है? सो अब ऐसा बहुत हाईली लाइकली है, वैसे लकीली तुम लोग कोर वाले नहीं हो तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं घुस रहा है। अब तुम लोगों में नंबर्स दिखना और कम हो जाएंगे। सो व्हेन यू वर यंग, तुम 5+8, 5×8 टाइप चीज़ें करते थे। थोड़े से बड़े हुए एक एक्स आया, नंबर्स थे। थोड़े से और बड़े हुए एक्स एंड वाई आया, थोड़े से नंबर्स थे। थोड़े से और बड़े हुए ट्रिग्नोमेट्री आया, तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो। अब तुम जैसे और बड़े हो गए, अब नंबर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एक एपी का दिया हुआ है, ए है। सेकेंड टर्म बी दिया हुआ है और लास्ट टर्म सी दिया हुआ है। तो तुमको बताना है, देन शो द सम इज एन सम ऑफ फर्स्ट एन ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज जो भी है। अब देखो मुझे जब फर्स्ट टर्म पता है मुझे ए है, मेरा सेकेंड टर्म क्या है बच्चा लोग, बी, मेरा nth टर्म कितना है, सी। आपने कुछ नोटिस किया कि मैंने कुछ अलग किया है यहाँ पे? नहीं, क्या क्या अलग किया है जो हमेशा n कैपिटल लिखा है? अब देखो मैं क्या करता ना, जब ऐसा होता है कि खूब सारे ये दिए हुए अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट जीरो, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। साला अपने को पता क्या है, अपने को क्या नहीं पता है, अपन क्या अपने आप दे रहे हैं। तो जो चीज़ें पता है वैसे लिख देता हूँ, जो चीज़ें नहीं पता है उसको कैपिटल ले लेता हूँ मैं। अगर दिए हुए में कैपिटल है तो जो चीज़ें नहीं पता है स्मॉल लेटर में ले लूँगा, ठीक है? तो देखो पे तो कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है मेरी, तो ए टू माइनस ए वन होता बी माइनस ए हो जाएगी, ठीक है? नहीं बेटा, सी माइनस बी कैसे होगी बच्चा, ये ए थ्री माइनस ए टू थोड़ी हो रहा हो, ए एन माइनस ए टू हो रहा है, ठीक है? अब देखो मेरा ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी हो जाएगा, ठीक है? मेरे को एन पता नहीं है, ए एन मतलब सी था वो पता था, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए है। ये ए को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लेके आ गया मैं, सी माइनस ए इज एन माइनस वन टाइम्स बी माइनस ए। अब ये बी माइनस ए को यहाँ पे डिवीजन में लेके आऊँगा मैं, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन को यहाँ पे प्लस वन का करने ले गया मैं, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू एन, विच इम्प्लाइज सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन। तो मेरे फाइनली नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ चुके हैं, सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ तक है ठीक है, कि तुम्हारे दो वेरिएबल्स थे एन और डी, उनकी वैल्यू आ गई है। अब देखो मुझे उसने आई थिंक एस एन की वैल्यू मांगी थी, तो क्या होता है एन बाई टू, टू फर्स्ट टर्म ए ही है, प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो देखो एन बाई टू का मतलब क्या जाएगा, सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन टू था, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन, सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए माइनस वन, एन माइनस वन डी। डी मेरा कहता बी माइनस सी था, करेक्ट? अब देखो ये c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए,
टू ए प्लस, अब यहाँ के अंदर में मैंने एलसीएम लिया तो सी प्लस बी माइनस टू ए, बेटा माइनस वन इंटू ये कर रहा हूँ तो माइनस बी प्लस ए होने वाला है। पगले पने नहीं करना इसके अंदर साइन के गलतियाँ। क्या बच्चा ये अपॉन वन था, मैंने यहाँ पे बी माइनस ए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बी माइनस ए मल्टीप्लाई किया बच्चा, तो एलसीएम लिया मैंने। ठीक है ये हो गया है। अच्छा माई बात सॉरी, बी माइनस ए सॉरी, ये बी माइनस ए फेयर इनफ यहाँ तक का। अब देखो फॉर्चुनेटली बी माइनस ए, बी माइनस ए कट ही गया, बहुत ही फायदा हो गया मेरे को एक्चुअल में। तो सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू टाइम बी माइनस ए इन टू, अब देखो ये कुछ कट रहा है कि हाँ प्लस बी माइनस बी कट रहा है, टू ए प्लस सी माइनस टू ए प्लस ए, ये और ये कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया है, सी प्लस बी माइनस टू ए सी प्लस ए अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए। देखो यही था क्या, सी प्लस बी माइनस टू ए सी प्लस ए अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए। देखो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे को मैं अल्फ़ाबेट्स या मैं नंबर्स दे दिया होता तो ये फर्स्ट टर्म फाइव है, सेकेंड टर्म एट है, और टेंथ टर्म मेरा कुछ मान लो थर्टी एनथ टर्म मेरा 32 है, तो बताओ कुछ तो भी कुछ तो कुछ तुम बहुत फट से कर लिए होते, पर यहाँ पे ए बी सी देने के कारण थोड़ी सी परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो देखो एक बार फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से तुम कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल लेते हो, तुम्हारा एनथ टर्म सी दिया गया है तो उसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अब देखो मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, एस एन एस इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसकी जगह पे तुम लोग ए प्लस एल वाला भी तो लगा सकते थे सर, एस एन इज एन बाई टू ए प्लस एल वाला, तो यहाँ पे ए तो ये है और एल तुम्हारा ये है करेक्ट। तब देखो तुम्हारा एस एन इज नंबर ऑफ टर्म्स कितना है मेरा, बी प्लस सी माइनस टू है, एन की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी माइनस टू है अपॉन बी माइनस ए अपॉन टू था तो वो ये आ गया एंड दैट इंटू ए प्लस सी। ये तो ऑब्वियसली बहुत फास्टर हो गया तुम्हारे लिए, समझा ये चीज़ें क्या हुई है। तो यही मेथड से करना, ये तो सिर्फ तुम्हारे को मैंने फीलिंग देने के लिए दे दिया पूरा का पूरा, समझा ये चीज़ क्या हुई है। एक बार के जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ ए वन इज ए ए टू इज बी एंड ए एन इज सी फाइंड या प्रूव दैट एस एन की वैल्यू ये है। तुम्हारे को वहाँ पे कौन सी बुक यूज़ करवा रहे हैं वैसे? हाँ अच्छा, तू कोर वाली है तो तू अप्लाइड पे शिफ्ट हो रही है नहीं हो रही? ओके ओके, तो वह कोई फ्रेंड वेंड बनाए नंबर वंबर अगर है अप्लाइड वाला तो पता कर ले। तेरा कोर मैथमेटिक्स में क्या हुआ अभी यहाँ पे सेट्स हुआ? वो काम में नहीं आएगा अपने को। ओके
अगर तू इसमें ट्रिग्नो काम में नहीं आएगा, सेट्स नहीं हुआ है तो बोल रही है, सेट्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले नहीं भी कर चल जाता है, सब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ नहीं, कोर के लिए एनसीईआरटी चूज़ करनी पड़ती है, एनसीईआरटी प्लस मेजरली आरडी। हाँ एनसीईआरटी करनी पड़ती है, एनसीईआरटी डिफिकल्ट है भाई, ऐसा है, इतनी आसान एनसीईआरटी नहीं है। हो गया, इतनी जल्दी हो गया तो छाप रहा है क्या बकाबक? हाँ उसे छाप नहीं बोलते, शाना। ना होमवर्क लिखो बेटा, एक मिनट बताया तो होमवर्क पहले। एग्जाम्पल 25, 26, 28, 30, 28, 30, ये करके आना होमवर्क अटेम्प्ट, कल एक बार क्विकली डिस्कस करेंगे अपन लोग। एंड उसके बाद में बहुत रद्दी वाले क्वेश्चंस है, रद्दी ना इरिटेटिंग वाले क्वेश्चंस है, वो तुम लोगों को ना स्कूल की वर्कशीट से, सेंटर पॉइंट के स्कूल की वर्कशीट में भी थे, और तुम लोगों को तब बताया गया था कि एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी, कोर वालों के एनसीईआरटी अपने यहाँ पे आता है, वो वाला देखेंगे, जम जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। रोक रहे, तेरे को क्वेरी है बेटा, दिखा टू क्यू कॉमन निकलेगा, हो तो क्या यही आंसर ना बेटा तेरा, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी, यही तो तेरे को प्रूफ करना है, आंसर तेरा आ चुका है। एक कौन सा था एग्जाम्पल नंबर, ये देखना, नहीं वही बी प्लस सी माइनस टू है, वही 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 चाहिए था देखो, तेरा आगे आंसर। चलो गाइस, सी यू टुमारो।